Welcome to Vicky's Kitchen Recipes. This is Sayyid Iftar Karimath and the instructor Vasim Sana will show you how to make Mysore Bhajia with multi-purpose chutney. Let's start the process. Subscribe to our channel for more videos. And press the bell icon for further updates from Vicky's Kitchen Recipes. Mysore Bhajia banane ke liye pehle ek cup dahi le. नमक स्वाद के हिसाब से एक टीस्पून बेकिंग सोडा इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि इसमें बबल्स आ जाएं। इसमें एक टीस्पून जीरा डालें, दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ करिया पाक। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इन्हें अच्छी तरह मिला लें। एक कप दही के लिए दो कप मैदा लें। इस मैदे को बैटर में डाल लें। मैदे को बैटर में डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसमें मैदा डालते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहें। इसमें पानी डालें और इसे मीडियम कंसिस्टेंसी टाइप बैटर बना लें। इसे लगभग 4 से 5 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंटें। बैटर को फ्लफी बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून गरम तेल डालें। 2 मिनट बाद इसे अच्छी तरह फेंट लें। बैटर को 4 घंटे के लिए रेस्ट कर लें। मल्टीपर्पज़ चटनी बनाने के लिए एक कटी हुई प्याज, 2 कटे हुए टमाटर और 4 सूखी मिर्च लें। एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालें और इसमें कटी हुई प्याज डालकर इसे सुनहरा होने तक पका लें। इसके सुनहरा हो जाने के बाद इसमें सूखी मिर्च डालें। अब इसमें टमाटर डाल लें। इसमें 1 टीस्पून नमक डालें, इसे अच्छी तरह मिलाएं। 1 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून फूले चने की दाल डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसमें 1 टेबलस्पून इमली डालें। टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लें। इसके ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंड कर लें। एक कढ़ाई में तेल डाल लें। इसमें 1 टीस्पून राई के दाने डालें। एक चुटकी हींग डालें और कटे हुए करिया पाक डालें। अब इस बघार को चटनी पर डालें। मल्टीपर्पज चटनी बनकर तैयार है। एक फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लें। बैटर के रेस्ट हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लें।
अब इस बैटर को बोंडों का शेप देते हुए फ्राइंग पैन में मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक अच्छी तरह तल लें। इस अच्छी तरह पलटा पलटा कर तलें। मैसूर भजिया बनकर तैयार है। Thank you for watching this video. If you love this video, leave a like, comment down and share this video. And don't forget to subscribe our channel VK's Kitchen Recipes.